अपने मेन डोर से। मेन डोर पर हमने यहाँ पर क्या करा, राइट हैंड आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक सूरेक बना दिया, ऊपर हमने ये मोल्डिंग बना दिया और इसमें बीच में नेम प्लेट आ गई है। दरवाजे की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा दरवाजा है जो कि पीयू फिनिश है, जो इस तरह नजर आता है। हमने यहाँ पर लेजर से डिजाइन बनाया हुआ है और इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में एक मोल्डिंग हमने यहाँ पर कर दिया। ऊपर की बात करें तो हमने इस तरह से पैनलिंग की हुई है और यहाँ पर 3 स्पॉटलाइट लगा दी है। तो चलते हैं अंदर फ्लैट की तरफ। जैसे अंदर फ्लैट की तरफ चलते हैं, सामने वाली वॉल की बात करें तो सामने वाली वॉल को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें कि हमने अपना मोल्डिंग से डिजाइन बना दिया इस तरह से और इसमें वॉल लैंप लगा दिए हैं और सामने एक इधर हमने यहाँ पर मोल्डिंग बना दिया है। सामने की बात करें तो हमने यहाँ पर एक पैनलिंग कर दिया, जिसमें कि अपना यहाँ पर एक फैंसी लाइट लगा दिया, वॉल लाइट लगा दिया। और इधर की बात करें, सामने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक क्रॉकरी कम बार यूनिट आता है, जिसमें कि हमने ऊपर की बात करें तो हमने यहाँ पर रोज गोल्ड कलर के अपने प्रोफाइल शटर लगाए हुए हैं और सामने हमने यहाँ पर नीचे ये स्टोरेज दी है। तो एक सोफा हमारे यहाँ पर आता है, एक सोफा हमारे सामने आता है। सामने की बात करें तो यहाँ पर हमने दो कलर की लैमिनेट लगा करके हमने इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर दिया है, जिसमें कि हमने यहाँ पर पैनलिंग कर दिया। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग हमारा इसमें 18 इंची का पट्टा चारों तरफ हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। सामने दोनों तरफ हमारे फैन आ जाते हैं, बीच में हमारा एक सैंडलियर आ जाता है। और बात करते हैं हॉल के टीवी पैनल की। हॉल की अगर टीवी पैनल की बात करें, हॉल का जो टीवी पैनल है वो हमारा कुछ इस तरह से नजर आता है। हमने यहाँ पर 4 ड्रॉर दी हुई हैं, ऊपर हमारी यहाँ पर साउंड बार आ जाता है, सामने हमारा टीवी आ जाता है। टीवी के जस्ट बैक वाली बैक को हमने अपना यहाँ पर स्टोन फिनिश लैमिनेट लगाई हुई है, जिसमें कि हमने आप ये जो देख रहे हैं सामने दोनों तरफ हमने यहाँ पर ये गोल्डन टी प्रोफाइल लगाई हुई है। लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में हमने यहाँ पर पिलर्स लगाए हुए हैं, जिसमें कि हमने स्पॉटलाइट लगा दी है। और सामने की बात करें, सामने यहाँ पर हमारी किचन आ जाती है। किचन में ही जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री के जस्ट ऊपर हमने एक यहाँ पर पैनलिंग की हुई है, इसमें कि प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। जैसे हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमारा फ्रिज आ जाता है, ये सामने हमारा काउंटर आ जाता है। काउंटर के जस्ट लास्ट में वहाँ पर हमारा सिंक था, जो कि हमने बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। बात करते हैं किचन की। किचन के नीचे की बात करें तो हमने यहाँ पर अपना 5 बास्केट लगाई हुई है सामने की तरफ। ऊपर पत्थर, हमने पत्थर की बात करें तो हमने यहाँ पर एक अपना नैनो वाइट पत्थर दिया हुआ है और टाइल्स भी हमने इसमें चेंज की हुई है। टाइल्स की बात करें, टाइल्स हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से आती हैं। सामने हमारे यहाँ पर चिमनी आती है, चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने दोनों तरफ हमने यहाँ पर ये प्रोफाइल शटर बनाए हुए हैं और ऊपर हमने ये इस तरह से लॉफ्ट बना दिया। लॉफ्ट में हमने एक पूरी कंटिन्यू एक प्रोफाइल लाइट दी हुई है लास्ट तक। सामने ऊपर वो कैबिनेट आ जाते हैं हमारे, यहाँ पर हमारा चूल्हा जाता है। की बात करें तो अपने काउंटर पर रोशनी रखने के लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू एक प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। बास्केट की बात करें, बास्केट हमारी यहाँ पर नीचे आ जाती है, 5 बास्केट। इसमें हमने दो कलर अपना यहाँ पर यूज किए हुए हैं, तो आपका डार्क ग्रे कलर आ जाता है, बीच में हमारे यहाँ लाइट ग्रे कलर आ जाता है और ऊपर ये डार्क ग्रे आ जाता है। तो चलते हैं इधर की तरफ। सामने हमने एक बॉक्सेस बना दिया यहाँ पर और ये जो बालकनी है, बालकनी को हमने इस तरह से एक्सेस किया हुआ है। सो आपका जो सिंक है, सिंक हमारी इधर थी, इधर से हमने इधर शिफ्ट कर दिया सिंक। तो सिंक में हमने यहाँ पर क्या किया, नीचे हमारे कैबिनेट जाते हैं, ऊपर ये हमारी सिंक आ जाती है और ऊपर ये हमारे GTPT रखने के लिए हमने एक बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जिसमें कि अपना जिसमें अपने यहाँ पर ये डिश रैक वगैरह सब हमारे यहाँ पर आ जाती है। के जस्ट अपोजिट साइड में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्रोकरी यूनिट बनाया हुआ है प्रॉपर। इसमें हमने नीचे यहाँ पर अपना स्टोरेज दे दिया है, वहाँ पर 3 ड्रॉर दे दिए हैं और यहाँ पर 2 शटर दे दिए हैं। इसमें हमने अगर बात करें, हमने यहाँ पर पूरे ब्लैक कलर के प्रोफाइल शटर लगाए हुए हैं, जिसमें कि हमने फ्लूटेड ग्लास यूज किया हुआ है और अंदर की तरफ हमने इसमें लाइट लगा दिया है। जैसे ही चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। रूम की अगर बात करें, यहाँ पर एक हमारा छोटा सा लॉबी आती है। लॉबी के जस्ट ऊपर हमने यहाँ पर एक स्टोरेज बनाई हुई है, जो कि जिसे हम लॉफ्ट बोलते हैं। लॉफ्ट के नीचे हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है इस तरह से। तो चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो सामने हमारी यहाँ पर वार्डरोब आ जाती है, इसमें कि हमने 2 कलर यूज किए हुए हैं और अपना डार्क ग्रे और लाइट ग्रे। इसमें हमने यहाँ पर गोल्डन पट्टी लगा दी है इस तरह से। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग में हमारा यहाँ पर 18 इंची का पट्टा आता है चारों तरफ और हमने फैन लगा दिया, फैन लगा दिया है।
और सामने की बात करें यहाँ पर बैड हमारा बैड आता है, बैड के जस्ट पीछे वाली वॉल को हमने रॉक पैनल से हमने यहाँ पर डेकोरेटिव किया हुआ है, मतलब हाईलाइट कर दिया है। बेड के जस्ट लेफ्ट और राइट में हमने दोनों तरफ यहाँ पर ड्रेसिंग बनाया हुआ है, इसमें कि मिरर लगा दिए हैं और अंदर की तरफ स्टोरेज आपको मिल जाती है। और अगर बात करते हैं हम अपने सामने की तरफ, बेड के सामने वाली वॉल को हमने इस तरह से पूरी पैनलिंग की हुई है और इसमें ये इसमें आप जो देख रहे हैं इसमें हमने ग्रूविंग निकाल दी है। और सामने हमारे यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है जिसमें कि हमने हिडन डोर बनाया हुआ है। अंदर टॉयलेट की बात करें तो इस तरह से यहाँ पर हम अंदर टॉयलेट की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर पूरी हमने यहाँ पर टाइल्स चेंज की हुई है, यहाँ पर हमारी सीट जाती है। सामने की बात करें तो सामने हमारा यहाँ पर एक लाइट मिरर आ जाता है जिसमें कि हमने लाइटिंग की हुई है। यहाँ पर सामने की बात करें तो यहाँ पर हमने एक वैनिटी बनाई हुई है और यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन आ जाता है, काउंटर टॉप। और ये हमने इस तरह से पूरी यहाँ पर ये टाइल चेंज की हुई है। तो चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। सेकंड रूम में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग हमने इस तरह यहाँ पर की हुई है, 18 इंची का पट्टा हमने यहाँ पर चारों तरफ बनाया हुआ है। सामने यहाँ पर हमारा बेड आ जाता है, बेड के जस्ट पीछे वाली वॉल को हमने मोल्डिंग से हाईलाइट कर दिया है और इसमें दोनों तरफ वॉल लैंप लगा दिए हैं। और बात करते हैं अपने इधर वार्डरोब की। वार्डरोब की अगर हम बात करें तो सामने यहाँ पर हमारी ये वार्डरोब आती है जो कि इस तरह से कुछ नजर आती है। हमने यहाँ पर दो कलर यूज किए हुए हैं, एक आपका डार्क और एक आपका लाइट। तो इसमें हमने ब्लैक कलर की टी प्रोफाइल डाल दी है और ब्लैक कलर के हैंडल। और ऊपर अगर आप बात करें हमने यहाँ पर ऊपर एक लॉफ्ट बनाई हुई है। जस्ट मंदिर की बात करें इसके जस्ट बराबर में ही हमने यहाँ पर मंदिर बनाया। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आता है। हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, दो यहाँ पर ड्रॉर दी हुई है, एक यहाँ पर शटर है, ये हमने सेटी बनाई हुई है जिसे आप बाहर की तरफ इस तरह निकाल करके बैठ करके इस पर पूजा कर सकते हैं। अभी इस पर गद्दी आनी बाकी है। अंदर की बात करते हैं, अंदर की बात करें तो हमने यहाँ पर जो मंदिर है जो कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है, हमने पीछे की तरफ इस तरह से अपने सीएनसी जाली अड्डी को फिनिश कर दिया। सामने हमारे यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ आ जाती हैं और यहाँ पर हमने ये इस तरह से शटर लगाए हुए हैं।